क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आप लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं का पढ़ रहे हैं, उसमें भाग दो वित्तीय विवरण आज अपन इस विषय पर पढ़ेंगे। भाग दो वित्तीय विवरण के बारे में पढ़ूंगी। तो वित्तीय विवरण क्या होता है? वित्तीय विवरण में व्यापार खाता, जो व्यापार खाता वित्तीय विवरण के अंतर्गत आप देखोगे कि वित्तीय विवरण में आप व्यापारिक अवधि के अंत में, मतलब जो व्यापार होते हैं उसके अंत में व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए जो खाते विवरण बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण कहते हैं। तब जो व्यापारिक परिणाम होते हैं उनको जानने के लिए जो आय व्यय के, लाभ हानि के जो खाते बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण कहते हैं। उसमें है व्यापारिक खाता, वह खाता जिसमें सकल लाभ ज्ञात किया जाता है, और सकल लाभ ज्ञात करने के लिए जो बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लाभ हानि, व्यापारिक खाता। लाभ हानि खाता, लाभ हानि की जो खाते की अवधि होती है उसकी व्यापारिक, मतलब जो अर्जित लाभ के लिए बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लाभ द्वारा उठाए गए। तो हानि को क्या करता है? लाभ हानि को प्रदर्शित करता है उसमें, उसे लाभ हानि। उसी प्रकार हो गया स्थिति विवरण। स्थिति विवरण भी आपको वित्तीय विवरण के अंतर्गत आपको स्थिति विवरण, उसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि में, मतलब जो विवरण बनाया जाता है एक निश्चित तिथि में व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जो वित्तीय स्थिति की प्रदर्शित करने वाला एक विवरण होता है, मतलब जो उस व्यापार की वित्तीय स्थिति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। एक निश्चित तिथि में व्यवसाय की संपत्तियों तथा दायित्वों का प्रदर्शन करता है उसे क्या कहते हैं? स्थिति विवरण कहते हैं। तो उसी प्रकार जो वित्तीय विवरण का अर्थ होता है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, मतलब जो वित्तीय विवरण है उसका अर्थ है दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यवहारों का लेखांकन। जो व्यवहारों के लेखांकन होते हैं उनको तीन चरणों में क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। प्रथम चरण में प्रारंभिक लेखे, द्वितीय चरण में क्या करते हैं? व्यवहारों का विश्लेषण तथा अर्थात खाता बही, और उसमें तृतीय व अंतिम चरण में सारांश के रूप में संबंधित कार्य, मतलब को जो तृतीय चरण होता है उसमें सारांश को लिखा जाता है। फिर खाता बही का कार्य को समाप्त कर प्रत्येक वर्ष के अंत क्या बनाए जाते हैं? खाता बही को खातों के प्रकार के आधार पर सारांश क्या करते हैं? तैयार करते हैं। मतलब जो सारांश तैयार होता है वो काय कैसे होता है? वर्ष के अंत में तैयार होता है, और कम से कम दो आधारभूत विवरण में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। पहला होता है आय का विवरण और दूसरा होता है स्थिति विवरण। मतलब जो आपके आधारभूत विवरण तैयार किए जाते हैं उसमें पहला कौन सा होगा? आय का विवरण, और दूसरा हो गया स्थिति विवरण। तो विवरण को वित्तीय, मतलब जो वित्तीय फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए इसको, सामूहिक रूप से तैयार किए जाना विवरण अंतिम खाते जो होते हैं वह कहे जाते हैं। ऐसे ही उन्हें इसके लिए वित्तीय विवरण के लिए एक परिभाषा दी है। किसने दी है? जॉन एन मायर ने दी है परिभाषा कि वित्तीय विवरण जो होता है, जो वित्तीय विवरण होता है एक व्यापारिक उपकरण के खातों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि जिसमें संपत्ति दायित्व पूंजी को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, और इसे अन्य, मतलब आय का एक निश्चित अवधि में व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम को क्या करते हैं? मतलब जो व्यवसायिक क्रिया होती है कि आपकी आय व्यय लेनदारी देनदारी इन सब को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं उसे। मतलब एक जानवर, मतलब जो है जॉन एन मायर ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया। तो आपको वित्तीय
विवरण में जो होता है प्रयोगकर्ता द्वारा, तो जो वित्तीय विवरण होते हैं उसमें प्रयोगकर्ता द्वारा विवरणों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रयोगकारों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसमें क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रबंधन, हो जाएगा विनियोजन, हो जाएगा लेनदार, हो जाएगा कर्मचारी, हो जाएंगे और सरकार। तो ये वित्तीय विवरणों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले आप किसी भी वित्तीय, सबसे पहले प्रबंधन, फिर उसकी भी उसको विनियोजक मतलब जो उसका योजना बना रहे हैं, जो लेनदार है, जो कर्मचारी है, सरकार है, तो सरकार द्वारा भी तैयार करके व्यवसायिक नीतियों को नियंत्रण, करों का निर्धारण और विभिन्न प्रकार की छूट आदि का निर्णय भी विवरणों के आधार पर किया जाता है। उसमें ही आपको देखो व्यापार खाता क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति में हम जानते हैं कि माल के क्रय विक्रय को, मतलब जो माल होता है उसके क्रय विक्रय को क्या कहते हैं, व्यापार कहा जाता है। मतलब आपने खरीदा बेचा तो जो माल का क्रय विक्रय हुआ उसे क्या कहते हैं अपन, व्यापार खाता कहते हैं। जो व्यापार के प्रारंभिक परिणाम, जो व्यापारिक परिणाम को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है, व्यापारिक खाता या व्यापार खाता है। इस खाते में माल तथा प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित मतलब जो मदें होती हैं सम्मिलित करने के बाद शेष निकाला जाता है। इसमें क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट होता है उसे सकल लाभ, और जो डेबिट होता है वह सकल हानि होता है। जो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा वह सकल लाभ, और जो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा वह सकल हानि होता है। तो व्यापारिक खाता होता क्या होता है, वित्तीय वर्ष की समय अवधि में मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्यापार खाता क्या है, व्यापार, ये हो गया व्यापार खाता। तो ये व्यापार खाता क्या है मान लीजिए इसके बारे में, तो व्यापार खाता संपत्ति के माल की लागत का विक्रय से जो प्राप्त करने के लिए बनाया गया खाता व्यापार खाता कहलाता है। क्रय विक्रय को भी व्यापार खाता कहते हैं। व्यापार खाते में विपणन पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक होता है, मतलब जो व्यापार खाते बनाए जाते हैं तो प्रारंभिक पक्ष होता है उसमें आपका स्टॉक हो गया, माल का क्रय मतलब जो माल है क्रय, संबंधित सभी मतलब जो प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है, और समापन पक्ष में माल के विक्रय की राशि, अंतिम स्टॉक आदि को लिखा जाता। खाते में समाकलन शेष होने पर समाकलन लाभ, मतलब जो समाकलन खाते में जो शेष होते हैं वह समाकलन लाभ, और विपणन खाते में सकल हानि प्रदर्शित की जाती है। इसे क्या कहते हैं, शेष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके योग कर दिया जाता है। सरल शब्दों में व्यापार खाता सकल और लाभ तथा सरल हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं व्यापारिक खाता कहते हैं। तो ये हो गया आपका व्यापारिक खाता क्या होता। फिर उसके बाद में व्यापारिक खाता बनाने से व्यापार की वास्तविक स्थिति ज्ञात का ज्ञान नहीं होता। व्यापारी के वास्तविक स्थिति बनाने के लिए लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक होता है। तो लाभ हानि खाता बनाना आवश्यक क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि व्यापार की वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान नहीं होता। इसके लिए व्यापारी अपने व्यापार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्या करता है, लाभ हानि खाता बनाता है। हो गया लाभ हानि खाता आवश्यक क्यों होता है, लाभ हानि खाता बनाना क्यों आवश्यक है, लाभ हानि क्यों आवश्यक है। तो उसमें आपको लाभ हानि खाते में विपणन पक्ष में प्रत्यक्ष व्ययों को तथा समस्त आगम प्राप्तियों के लेखे किए जाते हैं, जिसमें लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता होता है जो व्यापार खाता बनाने के पश्चात लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें विकलन के पक्ष में प्रत्यक्ष व्यय और समाकलन के पक्ष में आगत मतलब जो आय होती है वह को लिखा जाता है, और दोनों पक्षों के योग का अंतर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है। मतलब लाभ हानि खाता बनाया जाता है उनके मतलब जो दोनों पक्षों का जो योग का अंतर होता है उसे लाभ या हानि कहते हैं। उसके बाद है कि चिट्ठा क्या होता है। तो चिट्ठा व्यापारी जो व्यक्ति होते हैं वह चिट्ठा बनाने के लिए, चिट्ठा एक क्या होता है,
वास्तविक खातों में शेष सूची का विवरण करके संपत्ति और दायित्व के रूप में से क्या करते हैं, वर्गीकृत करके क्या करते हैं, दर्शाते हैं चिट्ठी में। तो दायित्व को चिट्ठी के बाएं पक्ष में और संपत्तियों को दाएं पक्ष में लिखा जाता है। मतलब दायित्वों को काले में लिखते हैं चिट्ठी में, बाएं पक्ष में, और संपत्तियों को दाएं पक्ष में लिखा जाता है। दायित्व होते हैं वह बाएं पक्ष में और संपत्ति दाएं पक्ष में। तो साल के अंतिम दिनों में क्या करते हैं, चिट्ठा बनाया जाता है। हम कह सकते हैं चिट्ठा वह दर्पण है जो व्यापार की संपत्ति और दायित्व की स्थिति को प्रकट करता है और व्यापार की आर्थिक स्थिति को सही सही ज्ञान मतलब कराता है। फिर उसके बाद है प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा। जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका लेखा व्यापार में विपणन पक्ष में लिखे जाते हैं और उपयुक्त मदों को लिखने के लिए प्रत्यक्ष व्ययों की मदों की राशि लिखी जाती है और उससे खरीद मतलब जो उससे तात्पर्य माल को खरीद कर लाने तथा उसके निर्माण किए जाने पर व्यय किए गए व्यय से है तो उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय। तो क्या होता है प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, जो ये होते हैं प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय जो इसमें क्रय चुंगी कर मजदूरी ईंधन शक्ति आदि क्या है प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। फिर है निम्नलिखित खातों में, तो जो खाते बनते हैं उनको स्थिति विवरण तैयार कैसे अगर तैयार करना महत्वपूर्ण होता है। तो व्यापार में लाभ अर्जन की शक्ति का ज्ञान होता है तो प्रत्येक वर्ष के अंत में अंतिम खाते को तैयार करने के लिए लाभ अर्जन भी मतलब जो वर्ष के अंत में आपको क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई एक वर्ष के अंत की तुलना में वर्षों की तुलना में तैयार किया जाता है जिसे क्या कहते हैं व्यापार की लाभ अर्जन शक्ति में वृद्धि या कमी ज्ञात की जा सकती है। फिर दूसरा हो गया लाभ हानि। तो वित्तीय विवरण की तैयार करने के लिए व्यापारी को सभी प्रकार की लाभ और हानि की जानकारी क्या होती है वह ये विवरण बना लाभ हानि खाता बनाने से ये विवरण प्राप्त कर सकता है। व्यापार खाता क्रय विक्रय के होने में सकल लाभ और सकल हानि प्रकट करता है जिसे शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कहते मतलब प्राप्त कर सकते हैं। फिर आर्थिक स्थिति का ज्ञान एक सफल व्यापारी की व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक होता है। एक निश्चित मतलब जो एक निश्चित अवधि होती है जो वर्ष के अंत में मतलब निश्चित अवधि में व्यापार के दायित्व संपत्ति की स्थिति को क्या कर सकते हैं मतलब उसका भुगतान करना कितनी संपत्ति है उसका वर्तमान मूल्य क्या है तो ये सब चिट्ठा बना जो ये सब चीजें मतलब जो है चिट्ठा बनाकर ज्ञात किया जा सकता है। फिर है भावी योजनाओं के लिए सहायक। तो ये अंतिम खातों में उपलब्ध जानकारी वर्षों के मार्गदर्शन में कार्य करती है और व्यापार की भावी योजनाओं में तैयार करने में भी क्या होते हैं ये सहायक होते हैं। तो ये हो गया जो निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने का विवरण तैयार किया जाता है तो व्यापार का लाभ हासिल। फिर है व्यापार और लाभ हानि खाते में क्या अंतर होता है। तो जो व्यापार होता है उसके परिणाम क्या होते हैं व्यापार सकल लाभ और सकल हानि को प्रदर्शित करता है। ऐसे लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात की जाती है। इसमें प्रत्यक्ष व्ययों को लिखा जाता है। इसमें जो लाभ हानि खाता है उसमें अप्रत्यक्ष मतलब जो व्यापारी खाता है उसमें प्रत्यक्ष व्यय को लिखते हैं और लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय को लिखते हैं। इस खाते में शेष लाभ हानि खाते में आंतरित मतलब जो अतिरिक्त आंतरित किया जाता है और उसमें शेष पूंजी को खाते में आंतरित किया जाता है। इस खाते में मतलब दोनों में समान। फिर क्रम इसमें इसमें खाता दर्पण बनाने के बाद तैयार करते हैं और इस खाते में व्यापार खाते को तैयार करने के बाद आता है। फिर इसकी प्रमुखता क्या है तो लाभ हानि खाते मतलब जो व्यापार का खाता जो व्यापारी मतलब व्यापार खाता है वह लाभ हानि खाते का क्या है अंग है और जो लाभ हानि खाता है वह प्रमुख माना जाता है। मतलब किसी भी मतलब खाते को बनाने के लिए लाभ हानि खाता जो होता है वह उसकी प्रमुख माना जाता है। फिर है सकल लाभ और शुद्ध लाभ में क्या अंतर होता है। सकल लाभ जो व्यापार खाते में जो हमको प्राप्त हुआ लाभ इसे सकल लाभ दोनों को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है सकल लाभ और ऐसे ही शुद्ध लाभ क्या होता है लाभ हानि खाते में शुद्ध हानि
शुद्ध लाभ निकाला गया था हस्तांतरण। तो हस्तांतरण सकल लाभ लाभ हानि खाते में हस्तांतरण कर दिया जाता है। फिर शुद्ध लाभ पूंजी खाते में हस्तांतरण कर दिए जाते हैं। फिर इसमें सकल लाभ में मूल्य का निर्धारण, तो व्यापारी मूल्यों का निर्धारण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और शुद्ध लाभ में व्यापारी को विक्रय मूल्य के निर्धारण में कोई सहायता नहीं मिलती। शुद्ध लाभ जो होता है उसमें व्यापारी के विक्रय मूल्य के निर्धारण में कोई सहायता उसको नहीं मिलती। फिर व्ययों का घटना, सकल लाभ से अप्रत्यक्ष व्ययों को घटाया जाता है। मतलब जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं सकल लाभ से वो क्या करते हैं, घटाते हैं। और शुद्ध लाभ में कोई भी व्यय को घटाया नहीं जाता। तो सकल लाभ को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सकल लाभ को ज्ञात करने का सूत्र है शुद्ध मतलब शुद्ध विक्रय, जो आपने विक्रय किया उसके उसमें आप जोड़ेंगे अंतिम स्टॉक, फिर प्रारंभिक स्टॉक, शुद्ध क्रय और प्रत्यक्ष व्ययों को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा अपन को, सकल लाभ प्राप्त होगा। मतलब आपने शुद्ध बिक्री कितनी की, अंतिम स्टॉक आपका क्या था, प्रारंभिक स्टॉक क्या था, फिर आपने क्या क्रय किया और आपने क्या प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए, उन सबको जोड़ने के बाद आपको सकल लाभ क्या होगा, प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आपको शुद्ध लाभ कैसे प्राप्त होगा, इनमें जोड़ेंगे। इसमें शुद्ध लाभ में आपको सकल लाभ तथा आय जो है, जो आपने सकल लाभ आपको प्राप्त हुआ उसमें आप आय को जोड़ देंगे, मतलब जो आपकी आय प्राप्त हुई उसमें से आप अप्रत्यक्ष कर क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध लाभ प्राप्त। आपको छोटे छोटे टॉपिक आपको भाग दो लेखांकन के भाग दो वित्तीय विवरण में आपको हमने व्यापार खाते के बारे में बताया, व्यापार खाते के प्रारूप के बारे में बताया, उसमें वित्तीय विवरण के प्रयोगकर्ता क्या होते हैं इसके विषय में बताया, और सकल लाभ सकल हानि में अंतर बताया। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और याद करोगे। धन्यवाद।